नमस्कार, सेल के कॉर्पोरेट ऑफिस से मैं रजनी कपूर सेल ट्रैक के 64वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं कंपनी के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और देश भर में स्थित प्लांट एवं यूनिट्स की महत्वपूर्ण खबरों से। इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं सेल में मनाए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक के सेलिब्रेशन से। सेल लॉन्च्ड अ टेबल्यू एट कोलकाता ऑन 4 जुलाई 2022 किक स्टार्टिंग सेलिब्रेशंस अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील फ्रॉम 4 जुलाई टू 10 जुलाई 2022। द टेबल्यू वॉज इनॉग्रेटेड बाय चेयरमैन सेल श्रीमती सोमा मंडल इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल श्री वी एस चक्रवर्ती। द टेबल्यूज डिजिटल स्क्रीन शोकेस स्टील यूजेज, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड वेरियस सेल स्टील प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेजेस। सिमिलर टेबल्यूज वर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ एंड सेवरल अदर सिमिलर थीमेटिक इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज एट सेल्स प्लांट्स एंड यूनिट लोकेशंस। The Ministry of Steel celebrated this week as Jan Utsav in spirit of Jan Bhagidari. सेल भिलाई संयंत्र की इस्पात नगरी में रेल सेल स्वर्ण जयंती उद्यान की आधारशिला 6 जुलाई 2022 को संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने रखी। आज़ादी का अमृत महोत्सव और आइकॉनिक वीक के तहत इस पार्क की आधारशिला रखी गई है। यह पार्क सेल भिलाई और रेलवे की मित्रता के पहचान के रूप में जाना जाएगा। अ टू डे ग्रैंड कल्चरल बनांजा सेल सुरभि मार्किंग द स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशंस ऑफ सेल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय राउरकेला स्टील प्लांट फ्रॉम 15 टू 16 जून 2022। In this event, a huge confluence of artists from Bhilai Steel Plant, Alloy Steels Plant, Durgapur Steel Plant, ISCO Steel Plant, Bokaro Steel Plant, and Raurkela Steel Plant gathered for a cultural exchange with a steely resolve to keep up the sail flag flying high. हाल ही में सेल के सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन CMO ने ओडिशा के पुरी शहर के समुद्र तट पर आयोजित रथ यात्रा उत्सव के दौरान कंपनी का एक इनोवेटिव, शानदार और आकर्षक विज्ञापन अभियान चलाया। CMO ने इस अभियान के तहत सैंड आर्ट, रोड क्रॉस गेट, पिलर और डाइस केओस्क, बीच सैंड फ्लैग, रेडियो एंगेजमेंट इत्यादि गतिविधियों और समर किट वितरण के जरिए कंपनी के उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक किया। 10 दिनों तक चला यह अभियान जहां एक तरफ कंपनी की ब्रांड को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुआ, वहीं दूसरी तरफ सेल स्वर्ण जयंती वर्ष के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा सका। बोकारो संयंत्र में 13 जुलाई को E1 से E7 स्तर तक के कार्यपालकों के लिए मंथन नामक इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक प्रभारी श्री अमरेंदु प्रकाश ने कार्यपालकों के उत्पादन, उत्पादकता, कार्यप्रणालियों में नवाचार, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि से जुड़े महत्वपूर्ण सुझावों को सुना और उस पर विचार विमर्श किया। श्री प्रकाश ने कार्यपालकों को लगातार अपना बेहतर प्रदर्शन करने और इनोवेटिव तरीके से काम करने पर जोर दिया। डू यू नो इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई टू रेज अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। It was first coined in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit. The main significance of the day is to promote a global awareness for the protection of the natural habitat of tigers and to raise public awareness and support
for tiger conservation issues. चलते चलते आपके लिए पेश है ये वीडियो क्लिप। आंखों में देखकर मैं पहचान जाता हूँ कि वो आदमखोर है या नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, शेर की कुंडली बनवा लेते हैं। कुंडली देख के पता चल जाएगा कि वो कब और कहाँ। आपको बताना है कि यह वीडियो क्लिप किस फिल्म या वेब सीरीज से लिया गया है। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। आपको याद दिलाते चलें, अगर आपने सेल का YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार बिल्कुल ना भूलें, ताकि सेल ट्रैक के रिलीज होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया एवं धन्यवाद।